हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम पठानकोट में हैं, पंजाब के एक विलेज में। तो दोस्तों, आज हम ये आप देख सकते हैं, अभी इवनिंग का टाइम है और बहुत ही अच्छा मौसम है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आगे चल रहे हैं, लैंडर के ऊपर चल रहे हैं, जहाँ पर अच्छा मौसम रहता है। और ये देखिए दोस्तों, हमारे बीच में एक सुपरस्टार नीरज। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा डांसर भी है और यही दोस्तों मुझे हमें यहाँ के बारे में बताएंगे, निजू जो है। तो दोस्तों, अभी हम लैंडर के ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ दोस्तों मैं आपको, बैक साइड का हरी भरी वादियाँ और ये घर के पीछे पहाड़ है। अच्छा, पहाड़ भी है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर से आओ ना, मतलब थोड़ा गिर गया तो थोड़ा ठीक लगेगा ना। तो दोस्तों, आज हम खुली वादियों में आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ बिल्कुल कोहरा ही कोहरा है, ये तो नहीं कह सकते हैं, बट ये है कि बहुत ही अच्छा मौसम है और व्यू बहुत ही अच्छे हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पीछे पहाड़ी दोस्तों आपको छोटी सी नज़र आ रही होगी, ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा व्यू है, असल में बहुत बड़ी पहाड़ी है। और दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, और दोस्तों ये एक और, ये देखिए दोस्तों, ये भी भाई अपना, ये अपना सुपरस्टार जो कुंभ के मेले में घूम गया था, बड़ी मुश्किल से मिल गया। इसकी लैंग्वेज कुछ अलग से है, इसके दिमाग में एक बार ये सीढ़ियों से गिर गया था, इसके दिमाग में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, देन उसके बाद अभी थोड़ा ऐसे ही चलता रहता थोड़ा, और इसका छोटा दिमाग खिल गया था। हाँ, तो दोस्तों अभी चलते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं ना यहाँ पे क्या रहता है। दोस्तों, वो मज है, मज मतलब भैंस, भैंस। अच्छा, भैंस। दोस्तों, भैंसे भी है यहाँ पे बहुत दूर से, अभी यहाँ पे तो नजर नहीं आ पाएंगी, और हमारे पंजाब में इसको मज बोलते हैं। और वो दूर नवल्टी मोड़ है। कौन सा? वो नवल्टी मोड़ का बैक साइड। अच्छा, घूमने के लिए क्या कराते हैं यहाँ पे, मतलब कुछ बताएंगे सर आप? घूमने के लिए पठानकोट में बहुत कुछ है। अच्छा, यहाँ पे सामने कुछ बताओ इसके। अच्छा दोस्तों, एक खास बात बताओ, पहले मुझे ये बताओ ये क्या चीज़ है यहाँ पे, ये जो पीछे लगाया ना आपने। तो दोस्तों, अभी मैं आपको एक कुछ अलग से नई चीज़ बताने वाला हूँ कि जो यहाँ पे पंजाब में मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि क्या कैसे रहता है नाइट में यहाँ पे। मोस्टली मैंने देखा कि क्या होता है, छतों के ऊपर ही होता है, क्योंकि अंदर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ना, तो मतलब मुश्किल रहता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये मतलब हमारा एक स्पेशल बेड है, मच्छर को स्पेशल एक बेड है हमारा, जिसके अंदर। अच्छा, क्या होता है इसमें अंदर? इसमें मच्छर नहीं आ सकते, मच्छर देखो बाहर फंसे हुए हैं, इसके अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, आप इसके अंदर सो के बताइए थोड़ा सा, सो के भी अंदर सामने। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर लाइव हो रहा है, आज कुछ नया होगा। और दोस्तों देखिए, इस तरह से बंदे ऐसे कोई मच्छर नहीं आ पाएगा, फिर हम बाहर जा जाएंगे। अच्छा, और इसके अंदर दोस्तों मच्छर नहीं आते, क्योंकि ये रहता नहीं, यहाँ पे मच्छर बहुत आते हैं तो। और दोस्तों, आम का पेड़ साइड में। हाँ दोस्तों, खास बात ये कि आम के पेड़ यहाँ पे बहुत होते हैं, और आज तो हमने दिन में बहुत सारे आम खाए, मतलब हम 5-6 थे और हमने कम से कम 2-4 किलो तो खा ही लिए। हाँ, और लूज मोशन लगने की चांस है। अब ये ऐसा हो सकता है कि बंदों का पेट खराब होने वाला है, तो डॉक्टर चलो नज़दीक ही है, अच्छी बात है। और पीछे जंगल है। अच्छा, पीछे जंगल है। हाँ जी जी। और ये पीछे पानी क्यों नीचे इतना सारा, क्या सीन है? बारिश का सीन, बारिश का। अच्छा, जब बारिश आती तो पानी ज्यादा आता है यहाँ पे भी आता ऊपर। हाँ, और यही मलबा फिर पानी के साथ नीचे को जाता है, जो आपने पिछली वीडियो में देखा था। अच्छा, वो उसी वीडियो का वो नाला जो आ रहा था वहाँ पे। अच्छा, ठीक ठीक, ऐसी मिट्टी जाती है तो जिससे फिर घरों में पानी घुस जाता है। और दोस्तों, आज मैं आपको एक खास चीज बताने वाला हूँ, ये दोस्तों साइड हो जाए। दोस्तों, आपको दूर थोड़ा एक रेड कलर का एक बॉक्स दिख रहा होगा, वो एक ऐसा फ्रिज है जो कि सोलर से चलता है, क्योंकि मैं जब से आया हूँ तब से बाहर रखा हुआ है। तो दोस्तों, झंडे कर रहा भाई ये, ना ना कमाल कर, मैं बेइज्जती करूँगा मैं। ये लाइव ब्लॉग हो रहा है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया वाली वीडियो बनेगी। और ये आस पड़ोस में दोस्तों आप देखते हैं, हरा भरा जंगल है जहाँ पे कि घूमने फिरने जा सकते हैं। और यहाँ पे कोई एक शेर भी रहता है यहाँ पे जंगल में, छोड़ा बस यार मजाक कर, शेर कहाँ हो गया दोस्तों, थोड़ा ऊपर से फेंक रहा ना, मजाक कर रहा होगा भाई, मजाक में ले रहा है भाई, सच में। तो दोस्तों, अब तो सीरियस होना ही पड़ेगा, भाई साहब बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे सुअर, जंगली कुकड़ भी यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, इतने सारे जीव जंतु रहते हैं, जंगली कुकड़ भी रहते हैं। अच्छा, मतलब जंगली कुकड़ मतलब मुर्गे। हाँ, अच्छा, जंगली मुर्गे टाइप। तो दोस्तों, ये अब देखिए पीछे हरा भरा व्यू जो यहाँ पे है, और बहुत ही अच्छा है, गर्मी का टाइम है। और देखो हमारे सुबह हमारे यूट्यूबर भाई, हम देखो निक्कर डाली हुई है, कैपरी में कितने अच्छे लग रहे हैं गाइस। तो देखो अभी दोस्तों मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब ये था मैं जितने दिन से आया हूँ। देखो दोस्तों कैसे मतलब वीडियो में खराब है। अच्छा दोस्तों, 3 तारीख को आया हूँ, तो उसके बाद यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मतलब हालत ख़राब होगी। रात को मतलब पंखा लगाया था, बट पंखे से भी उतना वो नहीं हो रहा था, तो मतलब पसीना छूट रहा था पंखा लगा के भी, तो मतलब गर्मी काफ़ी यहाँ पे, ये बता सकता मैं। बाकी मच्छर दोस्तों यहाँ पे काफ़ी है, बट आज ये कि इवनिंग में मतलब आज मौसम मैंने देखा कि बहुत ही अच्छा है, मतलब आज बहुत ही अच्छा लगा हमें आज। और लैंडर के ऊपर दोस्तों हरी ठंडी ठंडी हवा आती, तो बहुत फीलिंग अलग ऑसम वाली आती है, वो आपको बैठ के बताएंगे अब इसमें। और दोस्तों ये देखिए, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये होता कि बहुत अच्छी बात है कि इवनिंग में सोने के लिए यहाँ पे ये मच्छरदानी टाइप लगा लेते हैं, और कोठे पे है, और हम लैंडर पे है, ये पंजाबी लैंग्वेज से कोठा बोलते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें, और ये एक बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है, आरामदायक।
आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ये रहता है कि रात को हम जब सोते हैं तो मतलब मच्छर मुच्छर नहीं काटते, क्योंकि यहाँ पे बचने का तरीका यही है और बहुत ही अच्छा तरीका है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, अभी हमें यहाँ के मिस्टर निजुत बताएंगे थोड़ा सा यहाँ के बारे में कि क्या क्या रहता है यहाँ पे। आप घूमने कहाँ जाते हैं वैसे, यहाँ पे कोई जगह ऐसी कुछ घूमने के लिए? पठानकोट में स्विमिंग पूल है और यहाँ पे नानी माता है बहुत अच्छा, और एक पुराने जो राजे महाराजे उनका किला होता है यहाँ पे। अच्छा, राजाओं का किला भी यहाँ पे, किला भी है वहाँ पे। तो दोस्तों कभी लगाएंगे दोस्तों उस साइड में हम चक्कर, तो जरूर आपके लिए वहाँ का भी एक वीडियो। पीछे वैष्णो कॉलेज है हमारे, हाँ दोस्तों यहाँ नियर में एक फेमस कॉलेज है वैष्णो कॉलेज, बहुत ही अच्छा एक कॉलेज है यहाँ पे, प्राइवेट कॉलेज होगा ना वैसे? हाँ जी जी, प्राइवेट कॉलेज भी है। बाकी दोस्तों हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको यहाँ पे। दोस्तों आपको सामने जो एक पेड़ दिख रहा होगा ग्रीन कलर का ना, वो एक्चुअल में मैंगो ट्री है, आम यहाँ पे काफ़ी होते हैं। तो अपने दोस्तों कुल्लू मनाली में तो सेब प्लम नाशपति जापानी अनार बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, बट ये है कि यहाँ पर मैंगो का जो हमारे लिए नया रहता है ना कि हाँ यार आम का पेड़ है तो आम खाने को बहुत मिलता है यहाँ पे, वो एक्सपीरियंस अलग से रहता है। बहुत ही अच्छा रहा आज दिन में, हमने बहुत मैंगो खाए और इतने आम खाए क्या बताएं, कुछ लोगों का पेट भी ख़राब हो चुका है, अब क्या कह सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों आप देख ही सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलेंगे जल्दी ही आप सबके साथ इसी चैनल पे मेरी एक नई वीडियो ब्लॉग में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।